पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्मियों में चेहरे पर लगाएं टमाटर का ये पल्प से बने 3 फेस पैक, स्किन बनेगी खूबसूरत। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गर्मियों में धूप, मिट्टी और धूल की वजह से स्किन डार्क पड़ जाती है। धूप के हानिकारक किरणों से स्किन टैन भी होने लगती है। गर्मियों में स्किन से जुड़ी इन प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए लड़कियां, महिलाएं स्किन केयर ट्रीटमेंट करवाती हैं। जब स्किन ट्रीटमेंट काम नहीं आते हैं तब लड़कियां तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट में कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो स्किन को रिपेयर करने की बजाय डैमेज कर देता है। साथ ही इस तरह की चीज़ों में बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है जो हर लड़की के बस की बात नहीं है। इस बार गर्मियों में स्किन के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो चेहरे पर टमाटर का पल्प लगा सकते हैं। टमाटर का पल्प स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में टैनिंग हटाने के लिए ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गर्मी के मौसम शुरू हो चुका है। टमाटर के पल्प के 3 फेस पैक मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपकी त्वचा ग्लोइंग और बेदाग बन सकती है। तो पहला है टमाटर पल्प और शहद का फेस पैक। गर्मी में टमाटर और शहद का फेस पैक लगाने से स्किन हाइड्रेटेड रहती है। ये फेस पैक सन टैन और सनबर्न को भी हटाने में मदद करता है। गर्मी में जिन लड़कियां या महिलाओं को पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी टमाटर और शहद का फेस पैक बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए। टमाटर 2 बड़े पीस, शहद 1 चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। टमाटर के पल्प और शहद फेस पैक बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर से बीज को हटा करके पल्प एक कटोरी में निकाल लें। अब टमाटर के पल्प में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और शहद मिलाएं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं ताकि कोई गांठ ना रह जाए। इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब फेस पैक सूख जाए तो इसे स्क्रब की तरह क्लीन करें। ग्लोइंग स्किन के लिए आप टमाटर के पल्प और शहद के फेस पैक का इस्तेमाल सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। दूसरा है टमाटर के पल्प, दही और बेसन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में होने वाले पिंपल्स, झुर्रियों और झाइयों से राहत दिलाने में टमाटर के पल्प, दही और बेसन का फेस पैक काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इस फेस पैक को लगाने से बढ़ती उम्र पर भी रोक लगती है, साथ ही ये चेहरे के दाग धब्बों को भी कम करने में मददगार होती है। तो इसके लिए सामग्री आपको चाहिए। टमाटर 2 से 3 पीस, दही 1 बड़ा चम्मच, बेसन 2 बड़े चम्मच। टमाटर के पल्प, दही और बेसन का फेस पैक बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को छीलकर इसका गूदा निकाल लें। टमाटर के गूदे में 1 से 2 चम्मच दही और थोड़ा सा बेसन मिलाएं। अगर आपको फेस पैक पर मिश्रण थोड़ा पतला लगता है तो उसमें बेसन ज़्यादा मिला लें। जब सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो इसे चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं। 20 से 25 मिनट तक टमाटर के पल्प, दही और बेसन का फेस पैक सूखने दें। फेस पैक के सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं।
स्किन प्रॉब्लम में छुटकारा पाने के लिए आप सप्ताह में 2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है टमाटर के पल्प और चीनी का फेस पैक। अगर आप डेड स्किन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो टमाटर के पल्प और चीनी का फेस पैक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। टमाटर में मौजूद विटामिन सी डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन की रंगत को निखारने में मदद करता है। इसके लिए सामग्री आपको चाहिए टमाटर का पल्प 1 कटोरी, चीनी 2 चम्मच। टमाटर के पल्प और चीनी का फेस पैक कैसे बनाएं ये मैं आपको बता रहा हूं। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर का पल्प 1 कटोरी में निकाल लें। टमाटर के पल्प में 1 चम्मच चीनी डालकर 1 मिनट तक मिलाएं। जब आपको लगे कि चीनी पूरी तरह से टमाटर के पल्प में घुल गई है तब इसे चेहरे पर लगाएं। इस फेस पैक को चेहरे पर कुछ देर के लिए लगा रहने दें। जब आपको लगे कि फेस पैक पूरी तरह से सूख गया है तब चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इस फेस पैक का इस्तेमाल रोजाना भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें बताएं। धन्यवाद।